लाइव 24 पर आपके साथ अरुणा त्यागी। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को गुरुवार यानी कल कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। गिरफ्तार किए गए अधिकारी पनडुब्बी की देखरेख करने वाली फर्म के लिए काम करते थे। दोहा स्थित देहरा ग्लोबल की सभी कर्मचारियों भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। कतर अधिकारियों की तरफ से भारतीय नौसेना कर्मियों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। भारत सरकार ने इस फैसले को बेहद चौंकाने वाला बताया है। इस मामले पर भारत सरकार का कहना है कि वह सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। ये सभी पूर्व भारतीय नौसेना डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए कार्यरत थे। यह एक निजी कंपनी है जो कतर की रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एक कतरी कार्यक्रम पर सलाह देने वाली कंपनी है जिसका उद्देश्य उच्च तकनीक वाली इटालियन निर्मित पनडुब्बियों को प्राप्त करना है जो रडार का पता लगाने से बच सकती है। भारत सरकार का कहना है कि कतर जासूसी के मामले में नौसेना कर्मियों को मौत की सजा से वे हैरान हैं। उन्होंने इस फैसले को बेहद चौंकाने वाला बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हम और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी कानूनी विकल्प भी तलाश रहे हैं। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और हम इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। उनके एक बयान में कहा गया है कि इस मामले की कार्यवाही को गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार से 8 लोगों की जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस सांसद और संचार के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कतर में 8 पूर्व भारतीय अधिकारियों के संबंध में सबसे परेशान करने वाले घटनाक्रम को सबसे बड़ी पीड़ा संकट और सदमे के साथ नोट किया है। नौसेना को उम्मीद है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील का पूरा सहारा मिले और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा।